आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास फिलहाल जो है पीसी नहीं है, बट उसके बावजूद वो लोग जो है इजीली पीसी गेम्स को मोबाइल पे खेल लेते हैं। एंड इफ तुम्हें नहीं पता और तुम कोई न्यू ईयर और तुम सोच रहे हो कि भाई पीसी गेम्स को मोबाइल पे कैसे खेला जाता है, तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप आराम से जाके चेकआउट करो। एकदम परफेक्ट वे में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया और होपफुली तुम्हें समझ भी आएगा। उसके अलावा भी अगर तुम्हारे पास डाउट्स हो तो तुम मेरे को उधर कमेंट में पूछ सकते हो, बट या वो वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना। अब वो कहते हैं ना कि लाइक क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है या फिर जितना दिया जाए कम होता है, तो वो वाला सीन है यहाँ पे। बंदों को जब पता चला कि पीसी गेम्स को हम मोबाइल पे खेल सकते हैं और जब वो मोबाइल पे खेलने लगे तो उनके एक्सपेक्टेशन, उनकी नीड्स और बढ़ गया। अब उन्हें ये चाहिए कि हमें इनमें मॉड्स भी खेलने हैं। सो इसलिए मेरे को बंदे पूछ रहे थे कि भाई हम जो है मोबाइल पे ही कैसे मॉड्स को ऐड करके खेल सकते हैं। सो या आज की वीडियो के अंदर मैं आप सबको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग मोबाइल पे स्ट्रीम के थ्रू जो है मॉड्स को ऐड कर सकते हो, जो कि ठीक ठाक इजी है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ईजी है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, वही आज की वीडियो में आपको सही से बताऊंगा। सो टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधा प्रोसेस पे बढ़ते। अब देखो यहाँ पे जो है मेरे पास फिलहाल स्टीम की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब स्टीम की एप्लीकेशन में अगर तुम लोग कोशिश कर रहे हो, कुछ स्टीम के एप्लीकेशन में कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ थोड़ा सा इश्यू चल रहा है और स्टीम का एप्लीकेशन उतना सही से मेरे हिसाब से इनका डेवलप नहीं है, थोड़ा सा ग्लिची ये है, क्योंकि अकाउंट बनाते हुए भी तुमने देखा है वैसा ही सेम इशू यहाँ पे वर्कशॉप में आता है इसके। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को सपोज मैं आर्क में मॉड्स डालना चाहता हूँ, अब दूसरे गेम खेलते हो आप उसमें भी मॉड डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरे को आर्क में मॉड डालना है, सिंपली मैं जो सबसे पहले आर्क पे जाऊँगा, क्योंकि इसके अलग से लाइब्रेरी में क्लिक नहीं होता है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा गेम को। गेम पे जाने के बाद सिंपली आपको नीचे जाना और यहाँ पे जो है आपको दिखेगा व्यू, आई मीन स्टीम वर्कशॉप, जो कि 1, 2, 3, 4 फिफ्थ ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है ये वाले पे, एंड उस पर क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाता है। तो एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है क्रोम पे, एंड क्रोम पे आपको स्टीम सर्च करके वहां से आपको ऐड करना है, वहां से आराम से हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे मैं जो स्टीम सर्च करूंगा, देन यहाँ पे हमारा स्टीम आ जाएगा, ये वाला, ये ऊपर वाला नहीं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्टीम पे क्लिक करना है। अब इफ आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाओ, एंड होपफुली ऑब्वियसली बात है सभी का अकाउंट होगा, जो लोग देखने बेफालतू थोड़े आओगे, अकाउंट तो होगा ही ऑब्वियसली। अब यहाँ पे क्या करना है, इफ आपका लॉगिन है तो सिंपली सबसे पहले लॉगिन करो, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे मैंने डाल दिया, अब सिंपली मैं जो साइन इन पे क्लिक करूंगा, देन उसके बाद मेरे को जो एक स्टीम का कोड आएगा। ओके नहीं है, मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका था। इफ तुम लोग लॉगिन करो और तुम्हें यहाँ पे स्टीम का कोड आया, अच्छा वैसे तुमने कभी किया ही होगा तुम्हें पता होगा, बट स्टीम कार्ड का कोड आता है ईमेल पे आएगा, वो यहाँ पे डाल देना। एंड इफ तुम्हें नहीं पता कि इधर अकाउंट ही कैसे क्रिएट किया जाता है, तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको 3 lines पे क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, सिंपली स्टोर में जाना है, एंड यहाँ पे जो है आपको इसके होम पे जाना है, ठीक है। इतना सबसे पहले, अरे सॉरी, आई मीन यहाँ पे आपको स्टोर पे जाना है, स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट द हेल, ये कहाँ चला जाता है इसका ऑप्शन साला, अरे सॉरी वो क्या कहते हैं, ऐसा थोड़ा नीचे करो, ये इधर ही रह गया था, तो मैं बोला भाई सर्च बार कहाँ चला गया, यहीं पे रहता है। तो कुछ नहीं, आप लोग स्टीम पे नॉर्मली ऐसे ही रहोगे, तो सिंपली आपको ऐसे जो इसको नीचे कर लेना, सर्च बार आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको आर्क सर्च करना है, इसको लोड होने दो, क्योंकि ये आर्क और आर्क टू बहुत दिमाग खराब करते हैं, अचानक से साला सब सिलेक्ट करने जाता हूँ तभी ऊपर चला जाता है और आर्क टू पे क्लिक हो जाता है, बढ़िया। सो यहाँ पे आने के बाद अभी आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये सारे ये जो ऑप्शन वगैरह है इन पे आपको क्लिक नहीं करना, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है रीड मोर पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो विजिट द वर्कशॉप, इस पे आपको क्लिक करना है। हम लोग जो पहले उस पे क्लिक कर रहे थे इसलिए सीन आ रहा था, अब यहाँ पे क्या करो, डेस्कटॉप साइड कर लो, कॉज आपको सर्च भी करना है मॉड्स का, एंड बूम यहाँ पे मॉड्स आप देख सकते हो। सो अभी यहाँ पे आपको सपोज प्लेयर्स डायनो खेलना है, सिंपली यहाँ पे सर्च करो प्लेयर्स डायनो एंड देन करो सर्च। देखो यहाँ पे ऊपर था, कॉज मैं एक बार आया था, मैं वही सोचू ये क्या चीज हो रही। सो प्लेयर्स डायनो में यहाँ पे 2 mods है, प्लेयर्स डायनो को मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ कि version 1 हमेशा क्रैश मार जाता है, तो version 2 के साथ जाओ, एंड उसके बावजूद लोग जो है version 1 के साथ जाते हैं और फिर बोलते हैं भाई मेरा चल नहीं रहा, भाई तुम पूरी वीडियो देखते क्यों नहीं हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली से सब्सक्राइब करना है, एंड दैट्स इट, बस इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका जो यहाँ पे प्लेयर्स डायनो मोड ऐड हो चुका है। अब मेरे को नहीं लगता मेरे को तुम्हें अंदर जाके दिखाने की जरूरत है आर्क में। I'm afraid I'm gonna need proof. Fine by me. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्क पे हम लोग जाएंगे, आर्क जो सर्च हो रहा है इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे, देन हम लोग जाएंगे VPN के अंदर, एंड सबसे पहले हम VPN को कनेक्ट करेंगे। अब ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी वीडियोस में दिखा चुका हूँ तुम्हें, मैं टाइम स्टैम्प तो दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट आगे पहुँच सकते हो जब गेम स्टार्ट होगा, बट इफ तुम्हें देखना है तुम देख सकते हो। सो ये तरीका बहुत ईजी एक्चुअली, इससे हो जाएगा आराम से, बस कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जो मैं ऑलवेज बोलते आया हूँ, बट अब तुम खेलना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें पसंद है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
बाकी वो तो मेरा ओपिनियन है, मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करने में डिफिकल्ट लगता है, बट जस्ट एक्सपीरियंस लेना है, मज़ा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं। लोडिंग होने के टाइम हमेशा डिस्कनेक्ट पे क्लिक करो एंड जाके पहले डिस्कनेक्ट करो, ये चीज़ मैं तुम्हें ऑलरेडी बताते आया हुआ एड्स भाई इसमें ना। सो हम लोग का VPN जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो हम वापस से इधर जाएंगे एंड यहाँ, अरे भाई यहाँ पे पहले से रिज्यूम इस पर, ओके सो वापस रिज्यूम पे आपको क्लिक करना है, देन वापस से आपकी गेम में लोडिंग होने लगेगी। एंड एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि तुम लोग, भाई हो जाए यार क्या हो रहा है इसको, तुम लोग इसे तभी खेल पाओगे जब आप लोगों ने जो है वही स्टीम अकाउंट इसमें लॉगिन किया हो। सिंक मत करते बैठना, जब आप ऐसे गेम में जाओगे फिर आराम से अंदर आप स्टीम का अकाउंट डालना है, वही अकाउंट डालना है जिसमें तुमने मॉड ऐड किया है, ये चीज़ को अच्छे से समझो। अब अगर तुम यहाँ पे मेरे से पूछने वाले हो, ओके हम लोग कहीं हो चुके हैं, आवाज़ थोड़ा कम कर देता, अब ध्यान से एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये देखो नीचे तुम लोग देख सकते हो, भाई देख लो भाई तुम अपने आप से नीचे देखो, इंस्टॉलिंग वन मोड प्लेज एंड टाइम। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, इफ़ तुम पूछ रहे हो कि भाई ये मॉड करने का इंटरनेट लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं और नेट से भी नहीं किया तो मुझे नहीं पता। भाई इफ़ लग रहा हो तो तुम्हारा नेट यहाँ पे बहुत जाएगा, अब वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मैंने नहीं करके देखा तो मुझे भी नहीं पता, मेरे पास अभी इंटरनेट भी नहीं, वरना मैं करके देख लेता। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मॉड को पहले इंस्टॉल हो तो हो गया इंस्टॉल, और थोड़ा कम कर लें दो वरना माइक से तुम्हें डबल आवाज़ आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसको हटा दो, सबसे पहले तुम्हें जाना है होस्ट लोकल पे, होस्ट लोकल पे जाने के बाद सिंपली तुम्हें इस मॉड को सिलेक्ट करके इसे ऐड कर देना है द आइलैंड में, देखो आपका ऐड हो चुका है, अब सिंपली आपको प्ले सिंगल प्लेयर करना है, दैट्स इट। एंड इसके बाद हो गया ना प्ले सिंगल प्लेयर, हो जा भाई, अरे अरे शिट, मैंने यार नहीं, मैंने गलती की यार, पहले वाला था वो, वैसे अब मेरे को मरना पड़ेगा या तो ऐसा कुछ तो सीन होगा, मैंने एक्चुअली मेरे पहला डाटा डिलीट ही नहीं किया, तो क्या होगा कि भाई मैं सर्वाइवर ही स्पॉन लूंगा, वो सीन हो जाएगा, कोई बात नहीं अंदर देखते हैं। तो सच में बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा इजी, इसमें आपको कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है, कुछ नहीं, आराम से आप इसे खेल सकते हो जैसे चाहे वैसे, यही मॉड ने आप मोबाइल के अंदर लिटरली प्राइमल फेयर तक खेल सकते हो इफ़ आप चाहो तो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी होपफुली आप लोग समझ चुके हैं। तो ये देखो मैं बोला था ना कि ये आ गया रहेगा, अब एक काम करते हैं सबसे पहले, अरे ये नहीं, सबसे पहले ऐसे कंट्रोलर लेते हैं एंड देन इसको ऐसे टर्न करके, कहीं मरने के लिए कोई जुगाड़ है क्या मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि या तो फिर मेरे को सांस रुकने तक वेट करना होगा, कोई नहीं इसकी सांस ख़त्म हो जाने दो एक बार। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि इसको इंस्टॉल करना सच में बहुत ज़्यादा इजी है, आप भी आराम से कर सकते हो, एंड इफ़ आपको थंबनेल वगैरह लेना मोबाइल से सीरीज स्टार्ट करके तो इसको ऐसे हटाओ, या से आप आराम से थंबनेल भी ले पाओगे। बाकी हाँ होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इस मॉड को इंस्टॉल करना है, डोंट वरी मैं इसका गेम प्ले दिखाऊंगा, बट ये हो रहा तब तक मैं सोचा लाइक शेयर ही बोल दूँ। तो या वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेक श्योर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल्सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमेशा मैं बोलता हूँ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं सारे इश्यूज़ को सॉल्व करता हूँ। एंड ऑल्सो इफ आपके लिए डिस्कॉर्ड कन्वीनियंट नहीं है तो तुम लोग जो है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो, चलो ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ, बाकी ऐसे डबल क्लिक करते हैं ना तो ये करता है, अगर तुम ऐसे साइड में क्लिक ऐसे ऊपर करोगे तो ऐसे होता है, थोड़ा सा मतलब कंट्रोल्स है इसमें। बाकी हम लोग यहाँ पे मर चुके हैं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो नीचे तुम देख सकते हो क्रिएट न्यू सर्वाइवर या डाइनो, एंड यहाँ पे सपोज मैं बनना चाहता हूँ अर्जेंट है अभी, मैं इसमें कलरिंग वगैरह नहीं करते बैठूंगा, मैं सीधा क्रिएट कर रहा हूँ, ओके तो सिंपली ओके यहाँ से भी हो सकता है, तो मैं जो ये दबाऊंगा एंड बूम हम लोग स्पॉन हो चुके हैं एज अ डाइनो। सो ये देखो भाई, ये सच में ये मज़ेदार है, पता नहीं क्यों, बट ये मोबाइल पे खेलना एक्चुअल में मज़ेदार है यार। अरे यार इन्वेंट्री इसमें कूदूंगा कैसे मैं, अरे लॉल इसमें मैं उतर ही नहीं सकता है ये थोड़ा सा ग्लिची है शायद। तो इस तरीके से तुम लोग आराम से जो है भाई से खेल सकते हो, ये देखो ए से उड़ते, ओ भाई साहब ये मज़ेदार है, नहीं नहीं पानी में नहीं जाना भाई, ये मज़ेदार है, बस ये तेज़ उड़ता कैसे ये मुझे पहचानना पड़ेगा, ये तेज़ कैसे उड़ता है, नहीं ये नहीं है, ये कैसे पता नहीं कौन से बटन से तेज़, अरे लैग हो गया, तेज़ कौन से बटन से उड़ेगा मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। ओके इससे LT से अटैक करता है एंड LB से कुछ नहीं होता, RB से कुछ नहीं होता, RT से, ओ गाइज ओ RB से ये होता है, व्यूज़ चेंज होते हैं, देखो जिन्हें नॉर्मल इसमें ट्राई करना है कर सकते हो, L3 से पता नहीं क्या होता है, बढ़िया। सो होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपको प्लेज डायनो खेलना है, फिलहाल ये हल्का सा लैग हो रहा है पता नहीं क्यों, मे बी मेरा कनेक्शन थोड़ा सा स्पॉटी होते जा रहा है इसलिए, तो इसके लिए हाई कनेक्शन होना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सबको तो पता है, बढ़िया होपफुली आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपको इसे अपने मोबाइल में ऐड करना है, तो मोबाइल से मॉड्स रन करना बहुत ज़्यादा ईजी तुमने देख लिया, अब ऐसे ही करके तुम्हें जो जो मॉड्स अपने सर्वर में चाहिए जो भी फलाना ठमका तुम्हें सब आराम से कर सकते,
बाकी आज के लिए फिर बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना एंड डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे जो इश्यूज हो गए मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। बाकी चलो बाय बाय। तो होना है वही जो बना।